नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर भरतपुर पुलिस करेगी मोनू मानेसर से पूछताछ। विश्व हिंदू परिषद ने मोनू मानेसर को बताया निर्दोष घोषित। राजस्थान सरकार को व्हिप की चेतावनी, कहा इसकी कीमत चुकानी होगी। राजस्थान पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मंगलवार शाम भरतपुर पहुंचे और उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मोनू मानेसर को 2 दिन की पुलिस रिमांड में सौंप दिया। पशु तस्करों को पकड़वाने की सोशल मीडिया पर वायरल हजारों वीडियो के बाद चर्चा में आए बजरंग दल का सदस्य मोनू मानेसर कौन है यह बताने की जरूरत तो नहीं है। राजस्थान के नासिर जुनैद हत्याकांड के अलावा नूह में भी भड़काऊ पोस्ट डालने और हिंसा को भड़काने का आरोप मोनू मानेसर पर है। दरअसल मंगलवार को हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे नूह कोर्ट में पेश किया गया, जहां से राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर का प्रोडक्शन वारंट मांगा था। मजिस्ट्रेट से मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर को सौंप दिया। मोनू मानेसर पर भरतपुर के 2 युवक नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप है। अब राजस्थान पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड में मोनू मानेसर से पूछताछ करेगी। पुलिस द्वारा मोनू मानेसर, जो कि नासिर जुनैद प्रकरण में वांछित और नामजद आरोपी है, और उसको हरियाणा पुलिस ने ऐसी जानकारी हमें मिली है कि उसको डिटेन किया गया है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई कर रही है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में है। हरियाणा पुलिस की जब विधिक कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जिला डी पुलिस जो है वो अपनी विधिक कार्रवाई प्रारंभ करेगी। वही दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने मोनू मानेसर को निर्दोष गोभक्त बताया है और आरोप लगाया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वोटों के लिए मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये कहा गया है कि इसके लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि व्हिप मोनू मानेसर को हर संभव मदद मुहैया कराएगी और जरूरत पड़ने पर उस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगी। आपको बता दें कि मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने धारा 53 और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में गिरफ्तार किया है। एक ओर राजस्थान पुलिस मोनू को हत्यारा बता रही है, तो दूसरी ओर हिंदू संगठन मोनू को निर्दोष गौरक्षक बता रहे हैं और जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। फिलहाल सच क्या है ये तो अदालत ही बताएगा। पुलिस रिमांड पर मोनू मानेसर से होने वाली पूछताछ पर सबकी निगाहें हैं। पूछताछ के दौरान कुछ बड़ा मामला सामने आने की संभावनाएं हैं।